हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लाया हूं जिससे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग करके जो बताया जा रहा है कि किसी बोर्ड अधिकारी को कॉल किया गया और उधर से क्या रिप्लाई आया है नॉर्मलाइजेशन के लिए, जो पार्ट बी के लिए बताया जा रहा है। तो ये सारा न्यूज़ सही है या गलत है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहें। हम आपको वीडियो को कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे और बताएंगे कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो पर 500 प्लस लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक से मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई पैसा या कुछ नहीं मिलता और नहीं कुछ भी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। आपका सिर्फ मोटिवेट होता हूँ आपके लाइक से ही, जिससे मैं आपको अपडेट मतलब डे बाई डे अपडेट करते रहूँ। तो इसी के लिए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, 500 प्लस लाइक टारगेट ज़रूर रखिए। आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हम आपको पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और उसके बाद ज़रूर बने रहिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये न्यूज़ सही है या गलत। तो चलिए, हम आपको पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ इस वीडियो के, कि आपको क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैडम जी, लोको पायलट के पॉइंट बी में नॉर्मलाइजेशन हुआ क्या? लोको पायलट के पॉइंट बी में नॉर्मलाइजेशन हुआ क्या? पार्ट बी में जी, पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, नहीं क्वालिफाइंग टेस्ट है। आप नोटिफिकेशन एक बार फुल पढ़ के देखो, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा मैडम। पार्ट ए को नॉर्मलाइजेशन है, पार्ट बी को नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो हेलो फ्रेंड, आपने इस वीडियो को देखा मतलब सुना, कॉल रिकॉर्डिंग के क्या सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो देखिए, इस पे हम लोग सीधे से बात कर दें कि देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग पे कोई भी, अब अगर आप अधिकारी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसको ईमेल कर सकते हैं या कोई भी हेल्प लाइन नंबर रहती है उस पर कॉल करिएगा। तो ये सब जानकारी नहीं दिया जाता है, उस पर डायरेक्ट बोलता है कि ऑप्शनल नोटिफिकेशन देखा जाए। आप लोग भी ट्राई किए होंगे सोशल मीडिया के साथ से, चाहे ट्विटर हो या ईमेल हो, वो डायरेक्ट बताया जाता है कोई भी जोन में कॉल कीजिए तो वो लोग डायरेक्ट करता है कि नोटिफिकेशन में जाकर देखिए, वहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी झूठ है, इस पर कोई कॉल मतलब फ़ोन पे इससे जानकारी नहीं दिया जाता है, कभी भी नहीं दिया जाता है। एक सच्चाई है कि कभी नहीं दिया जाता है, बोर्ड अधिकारी इस पर कोई बात नहीं करती है, वो सिर्फ अपडेट करती है ट्विटर अकाउंट पर या वहाँ पर रिप्लाई करती है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग पे इससे बात नहीं होती है। आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी नहीं होता है। तो ये सारी न्यूज़ है जो झूठ है। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं कितना भी वीडियो डाल रहा हूँ, आज सुबह भी डाला हूँ, कल भी, दो तीन दिन पहले भी डाला था, तो सभी में मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ शिफ्ट में 10 शिफ्ट में एग्जाम हुई है पार्ट बी में, और सब भी ग्रुप में, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बनता ही है, उसमें डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन भी आप लोग भी फिर से जाके देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो, उस पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होगी, स्टेट लेवल 1, लेवल 2, लेवल मतलब, तो सारे में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इस वीडियो पे आप लोग भरोसा मत कीजिए, जो भी आपके साथ अभी वायरल हो रही है। अभी बहुत सारी ऐसे न्यूज़ आएगी कि कभी होगा, वो लोग खुद बताते हैं कि कभी होगा कभी नहीं, उनके खुद प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए कि वो 1 से 15 या 20 दिन पहले खुद वो लोग वीडियो में डाल के बताते थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और वही जो लोग डाल के बता रहे हैं, तो ये लोग उनका कह सकता है जैसे भी ये लोग कॉल ये बनाए नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा, कंफर्म है नॉर्मलाइजेशन होगा 100%। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में डाउट बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट अपडेट कुछ भी आते हैं, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।